हाँ तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। तो पहला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड ए, फाइंड स्मॉल ए इफ बोथ रूट्स ऑफ ए प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आर लेस देन वन इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो कि ये किस केस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रखा कि विच कि ये किस केस में है, वो तो हमें इसको डीबग करना पड़ेगा। ठीक है, तो और अंडरलाइन कर लो इस मैग्नीट्यूड वाले वर्ड को, अंडरलाइन दिस मैग्नीट्यूड वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड। तो देखो कल भी मैंने एक मैग्नीट्यूड के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, देखो उसने क्या बोला है कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, लेस देन वन इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, कि दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड वन से कम होना चाहिए। मैंने बोला कोई चीज का मैग्नीट्यूड वन से कब कम होता है, मतलब कहने का मतलब इट इज समथिंग लाइक मॉड ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन वन। तो क्या होगा, दिस इज वॉट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज लेस देन वन, दैट मीन्स वॉट, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इज लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स माइनस वन और वन के बीच में आना चाहिए, दोनों रूट्स माइनस वन और वन के बीच में आना चाहिए। अब ये हमारा केस में कन्वर्ट हो गया, तो डायरेक्टली तो नहीं दे रखा था उसने, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज बोथ द रूट्स इज लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, अगर केस में मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, माइनस वन कोमा वन, दिस इंटरवल कंटेन्स बोथ द रूट, दिस कंटेन्स फर्दर, इसका मतलब क्या हो गया इंटरप्रिटेशन, ये भी तो मैं लिखना है, कंटेन्स बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स। अब हमारा क्या हो गया, दिस इंप्लाइज केस फिफ्थ, केस फिफ्थ क्या था, हमारा डायग्राम पहले बना लेते, तो मैंने बोला ये है ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो इस इंटरवल के अंदर दोनों रूट आना चाहिए, तो माइनस वन इधर होना चाहिए और डेफिनेटली वन इधर होना चाहिए, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड पैराबोला। और इसके लिए कंडीशन क्या थी, चार कंडीशन थी, चार या पांच बोल लो, वो डिपेंड करता है तुम फोर्थ वाली इनइक्वालिटी को कैसे लिख रहे हो। तो पहले कंडीशन क्या थी, a इंटू एफ ऑफ के वन, के वन हियर इज माइनस वन, तो ए एफ माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा ए एफ के टू, के टू का काम कौन करेगा, वन, तो वन इज ग्रेटर देन जीरो, then d greater than equals to zero, और lastly क्या बोलेंगे, minus b by 2 है, जो है minus b by 2 है, that should be less than 1 and greater than minus 1, so intersection of all these four will be my answer। तो चलो इसको पूरा solve करते हैं, देखते हैं क्या आता है answer। तो पहले video pause करके इतना लिख लो, मैं इसको rub कर रहा हूं, ठीक है, चलो देखना। पहला मेरा क्या है, AF K1 is AF of minus 1 is greater than 0, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज ए इंटू एफ ऑफ माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए मेरा इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वेयर व्हिच हियर इट इज ए प्लस टू, डोंट राइट ए ओनली बिकॉज इधर भी ए यूज किया है, तो मैं ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इट इज ए प्लस टू, और एफ ऑफ माइनस वन, तो क्या करें एक्स ए के माइनस वन रख देते हैं इसमें, तो एक्स ए माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, तो ये आ जाएगा ए प्लस टू, फिर इधर माइनस वन रखोगे तो प्लस टू ए माइनस थ्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इधर से आया ए प्लस टू इंटू, देखना ध्यान से, ए प्लस टू ए थ्री ए और टू माइनस थ्री इज माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं रूट्स को नंबर लाइन पे, तो ये हो गया माइनस टू और ये हो गया वन बाय थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन चाहिए इसका मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर। सो इनइक्वालिटी वन का आंसर आया हमारा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन वन बाय थ्री से इंफिनिटी, दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो हमें चार पांच इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो दिस इज माय फर्स्ट वन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वन, ए इंटू एफ ऑफ वन दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो ए हियर इज ए प्लस टू इंटू एफ ऑफ वन, वन रखेंगे इधर तो क्या आएगा ए प्लस टू, इधर से माइनस टू ए माइनस थ्री That should be greater than zero. तो ये कितना आया a plus two into minus two a plus a is minus a
और 2 माइनस 3 इज माइनस 1, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो माइनस अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे बोल लो इधर से माइनस कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया, तो इधर आएगा a प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, और वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो अब इसको प्लॉट करूंगा तो माइनस 2 से माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन चाहिए, तो ये वाला इंटरवल हुआ. तो हमारा इसका आंसर आया माइनस 2 से माइनस 1. दिस इज फॉर केस 2. माइनस 2 से एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं. माइनस 2 से 1, या इट इज करेक्ट. तो देखो वैसे तो क्या है कि हमें फर्दर सॉल्व करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज टू स्टेट आंसर. द रीजन इज इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ? देखो जब दो ही केसेस के बीच में इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है. फाई का इंटरसेक्शन तुम फर्दर इनइक्वालिटीज के साथ लोगे तो फाई आएगा, क्योंकि देखो इसको जब प्लॉट करोगे, देखो चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये तो ऊपर लिखा ही है, इसी के नीचे इसको प्लॉट कर रहा हूं, इस वाले को, तो ये हो गया माइनस 2 और माइनस 1 मेरा इधर आएगा माइनस 1, तो ये हो गया मेरा ये दोनों. तो सिंस इन दोनों का इंटरसेक्शन ही फाई हो गया, तो मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर जैसे मान लो किसी ने अगर पूरे केस सॉल्व करे फिर इंटरसेक्शन लेगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट वी विल नॉट डू टाइम वेस्ट. फर्दर फिर भी तुम्हें अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो यू कैन अप्लाई दैट कंडीशंस, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस बी बाय 2 इज लाइंग बिटवीन माइनस 1 एंड 1, बट नो नीड ऑफ डूइंग दैट. द रीजन इज क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन इफ 5 आ रहा है, हैज द आंसर शुड बी 5. देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ ए सच दैट इज क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो माइनस 1 और 1 के बीच में आए. क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा उसके सब मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे कवर हो जाए एक ही क्वेश्चंस में, ठीक है? सो राइट डाउन द क्वेश्चन. देखना मैं बोला हूं कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन इज इसमें सब पार्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है? कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0. m इज द पैरामीटर, इंस्टेड ऑफ a इधर उसने m यूज कर लिया है. अब चलो तो एक एक पार्ट करके करते हैं. पहला पार्ट है फाइंड वैल्यूज ऑफ m सो दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, सो दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ठीक है? तो चलो करते हैं इसको. तो दोनों रूट्स 2 से बड़े होना चाहिए, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है? 2 इज लेस देन बोथ द रूट्स. जब दोनों रूट 2 से बड़े होंगे तो मेरा डायग्राम क्या बनेगा? ये डायग्राम है, तो उसमें बोला दोनों रूट्स, लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो मतलब 2 इधर आएगा. तो दिस इज व्हाट माय केस, ये कौन सा केस हो गया हमारा? दिस इज माय केस बोले तो थर्ड केस, केस ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, या फिर नहीं फोर्थ केस हो गया, केस लेस देन दैट. दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन बोथ द रूट्स, लेस देन बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स. तो इसके लिए क्या होता था? ए एफ के, ए हियर इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच इज 1. चलो पहले लिख लेते हैं, ए एफ 2 इज ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस बी बाय 2 ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 2 से, या फिर 2 इज लेस देन बोथ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट. क्लियर है? तो अब इन तीनों का सॉल्व करते हैं और इन तीनों का इंटरसेक्शन इज माय आंसर. तो ए एफ 2 निकालूंगा तो ए हियर इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एफ ऑफ 2 निकालूंगा तो 2 इसमें रख दो, तो 2 2 जा 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एम माइनस 3 प्लस एम, दिस इज ग्रेटर देन 0. तो इससे आया मेरा 4 माइनस 2 एम प्लस 6 प्लस एम इज ग्रेटर देन 0. तो ये फाइनली आया एम माइनस 2 एम माइनस एम प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एम माइनस 10 इज लेस देन 0. तो इधर से आया मेरा एम इज लेस देन 10, तो मतलब 10 अगर ये है तो मेरा आंसर इज ये. This is what corresponding to first inequality. This is not my final answer. अच्छा अब मैं करता हूं d greater than equal to 0. तो second is d greater than equal to 0. तो d निकालो, इसका कितना होगा? m minus 3 का square minus 4ac is greater than equal to 0. तो इधर से आया m square minus 6m plus 9 minus 4m greater than equal to 0. इधर से आया m square minus 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा अब इसके रूट्स तो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, 9 एंड 1, सम ऑफ रूट इज 10, प्रोडक्ट इज 9. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सम ऑफ रूट्स इज 10, तो रूट्स क्या होंगे हमारे 1 और 9. देख लो क्लियरली,
प्रोडक्ट क्या आ रहा है 9 एंड सम इज 10, और ग्रेटर देन बोला तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब आउटसाइड द रूट्स, ये हो गया मेरा इंटरवल, ठीक है। अच्छा अब सिमिलरली केस थर्ड, केस कंडीशन 3 क्या था हमारा, जो 2 है दैट शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2 है, तो 2 इज लेस देन माइनस ऑफ बी, बी हियर इज माइनस ऑफ एम माइनस 3, माइनस बी बाई 2 ए, 2 इंटू ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और चलो ये 2 मैंने ये 4 इधर लिख लेता हूं, तो m माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 4, तो m इज ग्रेटर देन 7, तो ये हो गया मेरा केस थर्ड के करस्पॉन्डिंग आंसर, ठीक है। अब हम क्या करें, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो अब इतना काम तो तुम कर लो, ठीक है। देखो इधर इधर ही मैं चलो प्लॉट कर देता हूं, ग्रेटर देन 7 है तो मतलब इधर आएगा ये 7, अच्छा और इसने बोला 10 से छोटा, तो 10 से छोटा ये, 10 से छोटा, तो यू कैन सी इंटरसेक्शन कितना आएगा, देखो यहां से ये वाला इंटरवल, ये क्या है 9, तो आंसर इज 9 से 10, 9 ओपन से 10 ओपन इज माय आंसर, फाइनल आंसर इज 9 ओपन से 10 ओपन, ठीक है समझ में आया। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब इसके हम फर्दर पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सारे मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस कवर हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा भी एक आध कंसेप्ट सीखने मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब सेकंड पार्ट, इसको मैं रब कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट को, ये हो गया हमारा, अब नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, मतलब वेल फाइंड एम, ऐसे लिख लो फाइंड एम फॉर विच बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो अगर उसने डायरेक्टली तो केस नहीं बोला, हम डीवर्क करेंगे, दोनों रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है, दोनों रूट्स जीरो के राइट में आना चाहिए, फर्दर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स, सो दिस इंप्लाइज लिख लो जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स, तो डायग्राम बनाओ पहले, सबसे पहले कोशिश हमेशा हैबिट डालो डायग्राम बनाने की, जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो जीरो मेरा इधर आएगा, ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है, तो जीरो इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो ये क्या हो गया हमारा अगेन केस फोर्थ ही हो गया है ना, तो केस लेस देन बोथ द रूट्स, तो क्या आ जाएगा ए एफ के, ए इंटू एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जीरो इज लेस देन माइनस बी बाई टू ए, सो अगेन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू दीज थ्री कंडीशन इज माई फाइनल आंसर, क्लियर है। तो चलो एक काम करते पूरा कर लेते हैं इसको भी, एक दो पार्ट को कर रहा हूं उसके बाद फिर तुम लोग को मैं कंडीशन लिख दिया करूंगा दैट योर वर्क इज टू कंप्लीट द आंसर, ठीक है अभी तो मैं कर देता हूं। चलो तो a इंटू एफ ऑफ जीरो, a एयर इज 1 अगेन x स्क्वायर का क्वेश्चन, तो f ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसमें जीरो रखोगे तो पहले तो लिखा मैंने a की जगह 1 और फिर f ऑफ जीरो, जीरो जीरो और इधर m बचा, तो m इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो डायरेक्टली हमारा m ग्रेटर देन जीरो आ गया पहली इनइक्वालिटी। सेकंड पार्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो d करो इसका, तो m माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 4 एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, यस इससे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे, एम स्क्वायर माइनस 6 एम प्लस 9 माइनस 4 एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे आया हमारा एम स्क्वायर माइनस 10 एम प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अगेन रूट्स ऑब्जर्वेशन से 1 एंड 9 वही चीज है पहले वाली, तो 1 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये वाला रू ये इंटरवल हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा और ये पहला वाला क्या लिखा है, एम ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी एक और बचा है माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस थर्ड वाला माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस ऑफ एम माइनस थ्री माइनस बी बाई टू इंटू वन, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इससे क्या है एम इज ग्रेटर देन थ्री, तो एम इज ग्रेटर देन थ्री, तो देखना मैं यहां मार्क कर रहा हूं यहां कहीं थ्री होगा, तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है ये वाला पार्ट, दैट इज फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9 से इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान हो जाएगा, बट कंडीशन इज कि तुम्हें वो 6 के 6 केस एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखना कल के लेक्चर में थोड़े और एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। आज तो हमारा केसेस कंप्लीट हुए, सो दैट थोड़े मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, थर्ड पार्ट में जंप करते हैं, देखना थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट इज फाइंड m, वही m निकालना है, फाइंड m फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव, फाइंड m फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव नेगेटिव. तो अगेन बहुत ही सिंपल सा हो गया. अगर मैंने बोला एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, मतलब लेट्स से ये डायग्राम है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो डेफिनेट सॉरी ये पॉजिटिव होगा ऑफकोर्स इस साइड आएगा, ये नेगेटिव है तो क्या होगा, डेफिनेटली जीरो इसके बीच में आएगा. बीच में मतलब इन दोनों के कहीं भी आ सकता है, एक्जैक्टली बीच में नहीं बोलूंगा मैं, आई शुड से बीच में मतलब जीरो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, बट ओवरऑल जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स. तो ये केस किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट केस जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स. तो इसके लिए तो एक ही कंडीशन होती है बस, क्या a into f of k, k here is zero, that should be negative. तो इसको सॉल्व कर लो बस. ये तो हालांकि बहुत ही आसान, एक ही लाइन का है, a क्या है one और f of zero क्या है, इधर zero रखा तो क्या बनेगा m, this should be less than zero. तो आंसर क्या मेरा, m belongs to minus infinity से zero open. This is the answer for this. क्लियर है, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया. अब आते हैं और पार्ट्स पे करते हैं. मुझे लग रहा होगा फास्ट जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग बिट फास्ट, मतलब अभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. ऑलरेडी मैंने केसेस को तुम्हें बहुत डिटेल में बताया है, उधर हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत बहुत टाइम दे के पढ़ा है, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला दिस इज फोर्थ पार्ट आई थिंक, ठीक है ना. फाइंड वैल्यू ऑफ एम सो दैट, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सो दैट बोथ रूट्स lies in the interval 1, 2. तो both the roots lying between in the interval 1, 2. तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, वीडियो पॉज करके सोचो डायरेक्टली, देखो रिकॉल कर पा रहे होगा नहीं. दिस इज अवर केस 5. डायग्राम बनाओ पहले. बोथ द रूट्स आर कंटेन इन द इंटरवल 1, 2. तो अगर ये 1 है ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में रूट आना चाहिए, तो अल्फा और बीटा. तो यही हमारा बेसिकली सबसे बड़ा केस था. केस बड़ा था मतलब कंडीशंस ज्यादा थी. क्या होगी, एक तो a into f of 1 greater than 0, a into f of 2 greater than 0, d greater than equals to 0 and vertex that is minus b by 2a is less than 2 greater than 1. तो इन चारों का तुम लोगों को इंटरसेक्शन निकाल के यू हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है ना. मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी कर चुका है, डी वाला कर ही चुका है, बस ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा. 1 एक बार रखो, एक बार 2 रखो इधर, ठीक है. चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं इसका. तो अगेन कॉपी दिस, पॉज द वीडियो. अब हम फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट हो गया. वन रूट इज ग्रेटर देन टू एंड अदर इज स्मॉलर देन वन, ठीक है. तो अगेन क्या करो, तुम वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोचो क्या कौन सा केस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है. और सबसे पहले मैंने क्या बोला, टारगेट, योर टारगेट शुड बी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्रस्ट मी. मैंने बोला पहले डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं, पहले मैंने पैराबोला बना दिया, सबसे पहले पैराबोला बना दिया विद रियल रूट्स, मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है. अब उसने बोला वन रूट इज ग्रेटर देन टू, तो एक रूट इससे टू से बड़ा होना चाहिए, तो ऑफकोर्स अगर टू से एक रूट बड़ा है तो ये वाला रूट बड़ा होगा, तो ये मैंने टू इधर आएगा, तो बीटा इज ग्रेटर देन टू रूट एंड अदर इज स्मॉलर देन टू, अदर इज स्मॉलर देन वन है ये, ठीक है ना, अदर इज स्मॉलर देन वन. तो इसका मतलब वन कहां आएगा, अल्फा के पहले. तो ये कौन सा केस कन्वर्ट हो गया हमारा, केस लास्ट केस कि इंटरवल 1, 2 इज कंटेन्ड बिटवीन द रूट्स. इसमें तो दो ही कंडीशन थी, क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू, चलो ऐसे लिख लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू वन इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, lying between the roots, also 2 is lying between the roots. और ये हमारा है क्या basically, case 6th. क्या था case 6th, interval 1, 2 is contained between the roots, ठीक है ना. अगेन योर टास्क इज टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, क्या आ जाएगा, a into f of 1 should be negative and a into f of 2 should be negative. Clear hai? So these two ho jayenge.
ठीक है। चलो एक और पार्ट लिख लेते, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने बोला नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, लिख लो। अब ये थोड़ा अलग चीज हो गई हमारे लिए, रूट्स आर, वैसे आर डी शर्मा पे भी है ये क्वेश्चन, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बेसिकली इसका लोकेशन ऑफ रूट से कोई रिलेशन नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, तो क्या हो रहा होगा, अगर मैंने बोला दो रूट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेट्स से टू है और अपोजिट साइन के, तो एक टू और एक माइनस टू होगा। अगर मैंने बोला एक थ्री है तो एक माइनस थ्री होगा, एक फाइव है तो एक माइनस फाइव होगा। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टू, सॉरी दिस इज माइनस थ्री, सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, सम ऑफ रूट इज जीरो, तो डायरेक्टली यू हैव टू टेल से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ रूट क्या है, इधर माइनस बी बाय है तो माइनस ऑफ माइनस एम माइनस थ्री, तो हो गया एम माइनस थ्री, दैट इज जीरो। तो इधर तो m की केवल एक ही वैल्यू आई, इंटरवल नहीं आया, m की एग्जैक्ट एक वैल्यू आई जिसके लिए हमारे रूट्स जो होंगे उनका सम जीरो होगा। तो रख के देख लो, भले व्हेन यू विल पुट हियर यू विल गेट द सम ऑफ रूट्स इज जीरो ओनली, ठीक है, रख के देख लो उधर रखना है तो, ठीक है। चलो तो फिर ये हो गया आज का लेक्चर, तो अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। चलो Now I'm writing some homework questions for you. तो लिखो, लिखा है, चलो एक छोटा एक क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस थर्टीन इंटू एक्स स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक लिख लो, ए क्यू माइनस एट ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस लॉग टू द बेस हाफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रेटिक। उसने बोला है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, इफ रूट्स लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, देन फाइंड इंटरवल आएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, और सेकेंड और एक और लिख लो, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हम पढ़े उससे। फाइंड मतलब केसेस तो मैं ढूंढना पड़ेंगे कैसे बनाऊं केस, फाइंड सेट और कुल मिला के वो उन्हीं छह केसेस में से कुछ होगा, बट मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस, तो दिस इसको थोड़ा टाइम देके पूरा सॉल्व करना कंप्लीट। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस फोर पी इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, हैज एटलीस्ट, इस वर्ड पे कंसंट्रेट करना, एटलीस्ट मतलब क्या था, कम से कम एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, ठीक है। सो दिस विल बी योर टू होमवर्क क्वेश्चन, मैंने बोला ये तो खैर बहुत आसान है, इस टाइप का हम किए भी है, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला एटलीस्ट वन रूट, और एटलीस्ट को मैंने बोल दिया इंग्लिश, इधर भी लिख लो कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए, इस प्रकार हमें पी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर अच्छे से, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो पूछो मुझसे, और कीप और हमें डेली प्रैक्टिस करते रहो। मैंने जो आर डी शर्मा दिए तुम्हें, मैं देख रहा हूँ ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, गिने चुने मतलब मैक्सिमम आठ या दस बच्चे होंगे, आठ बच्चे, ठीक है ना, दस बच्चे मैक्सिमम मान लो, उन्हीं का डाउट्स आ रहे हैं, बाकी आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। सो अभी करो मेहनत, और क्या बोलूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।